बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। आज जो है हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आर बुक टाइटल इज़ इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस वन। तो बेटा आज जो है हम अपने मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंस। इंट्रोडक्शंस मीन्स साइंस का तारुफ, साइंस बेसिकली होती क्या है। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ व्हाट इज साइंस। बेटा व्हाट इज साइंस, साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर क्या है बेटा, हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब क्या है, साइंस है। तो साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर कुदरत की मालूमात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ रही होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, एनिमल किस तरीके से फूड को खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, इन्वायरमेंट, ये सब जो हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, ये मिलकर जो है वो क्या बना रही है, हमारी साइंस बना रही है। और साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द साइंस विच वी आर स्टडिंग ब्लू। बेटा हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस है, लेकिन हम जो है अभी कुछ मेजर टाइप ऑफ साइंस पढ़ने जा रहे हैं विच इंक्लूड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वन बाय वन आई विल टीच यू व्हाट इज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। द फर्स्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारे पास लिविंग थिंग की जो स्टडी है, जो हमारे पास तालीम है, जो मालूमात है लिविंग थिंग्स की, वो क्या कहलाती हैं, बायोलॉजी कहलाती है। लिविंग थिंग्स क्या, लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे, और ह्यूमंस भी जो है वो किस में इंक्लूड हो जाते हैं, एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो स्टडी है, जो तालीम है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। सेकेंड हमारे पास है केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री जो है हमारे पास, अगर केमिस्ट्री से अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री से आपके दिमाग में क्या है, तो आपके दिमाग में आएंगे कि मिस केमिकल्स। केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर होती है। मैटर मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड विच एक्यूपाइड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर कौन से होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में जितने भी मटीरियल्स हैं वो इन्हीं तीनों स्टेट्स में मौजूद होते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ क्या है बेटा, मैटर है। देन फिज़िक्स, फिज़िक्स द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल फोर्सेस। आर यूनिवर्स एंड आर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट फोर्सेस। फिज़िक्स इज़ द बेसिकली साइंस और द बेसिकली द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस इंटरेक्शंस। फोर्सेस क्या है, कुव्वत कहते हैं। फोर्सेस को अगर हम उर्दू में देखें तो बेटा क्या होते हैं, कुव्वत। और एनर्जी क्या है, तवानाई। तो फिज़िक्स बेसिकली हमारे पास फोर्सेस और एनर्जी की जो है इंटरेक्शन के बारे में हमारे पास क्या करती है, स्टडी करवाती है। फिर हमारे पास है बेटा जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी क्या है बेटा, जियो मीन्स होता है हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ हम पढ़ेंगे, जिस साइंस में हम पढ़ेंगे, वो क्या कहलाती है, जियोलॉजी कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द फिनोमेना इन द आउटर स्पेस। बियॉन्ड द अर्थ हमारे पास स्पेस है, प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है बेटा, हमारे प्लैनेट्स, हमारे स्टार्स, हमारे मून, इन सब के बारे में क्या कहलाती है, स्टडी कहलाती है। बेसिकली अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊँ तो समरी क्या है, साइंस जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है, कुदरत की स्टडी है। साइंस को आगे डिफरेंट ब्रांचेस में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जो
डिफरेंट ब्रांचेस मीन्स डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी. बायोलॉजी में आप अलग स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में अलग, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, आगे चल के आप इनकी भी सब ब्रांचेस पढ़ रहे होंगे जिस तरीके से जूलॉजी, बॉटनी. तो ये सब क्या है तो ये साइंस ही, लेकिन इसने अपनी क्या कर दी, ब्रांचेस कर दिए हैं. और उस ब्रांच में क्या है, आप किसी एक ही चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, साइंस एंड आर एनवायरनमेंट. इफ़ वी आर लुकिंग इन आर सराउंडिंग, वी हैव सी डिफरेंट इफेक्ट्स एंड डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द साइंस इन आर डेली लाइफ. अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो साइंस के डिफरेंट इफेक्ट्स और डिफरेंट जो है वो इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे इर्द गिर्द. यानी कि अगर आप देखें तो साइंस के बिना हमारी जिंदगी या हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, कंप्यूटर, टेलीफोन, कार, फैंस, मेडिसिंस, ये सब हमारे पास क्या है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं. साइंस की क्या है, इजादात है. मैनी मशीन्स एंड डिवाइसेस वी यूज सच एज बसेस, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डिस्कवरी. दे ऑल आर द साइंटिफिक डिस्कवरी. ये क्या है, सब साइंटिफिक क्या है, डिस्कवरीज हैं. आर फाइट अगेंस्ट द डिजीज हैव लार्जली बीन कैरिड आउट बाय द साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिस्ट आर कंटिन्यूसली मेकिंग यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज ग्लोबल वार्मिंग, एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस. बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, साइंस जो है वो दिन ब दिन जो है वो साइंस में क्या करती जा रही, तरक्की करती जा रही है. लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो डिजीज डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही हैं. ठीक है, तो साइंस क्या कर रही है, उन डिजीज़ के अगेंस्ट भी क्या करी है, फाइट करी है. जैसे अब रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो रिसेंट का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस. पहले हमारे पास जस्ट एक कोरोना वायरस था, अब उसकी टाइप्स भी आ रही हैं जो हम रिसेंटली जिस कोरोना वायरस से फाइट करें, दैट इज़ दी डेल्टा कोरोना वायरस. तो क्या हो रहा है, जिस तरीके से साइंस अपग्रेड होती जा रही है, इसी तरीके से डिजीज़ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं. एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोब मींस क्या होता है बेटा, दुनिया, और वार्मिंग मींस क्या होता है, वार्म मींस होता है गर्म होना. ये वर्ड आया है तो इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी. बेटा ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही है, और हम ट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं. हम ट्रीज़ को काट रहे हैं और उस जगह पे हम अपनी क्या है, पॉपुलेशन, हम अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं. ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रीज़ ना होने की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, और वो हमारी अर्थ और सन के दरमियान पे एक लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड दी ओजोन लेयर. ओजोन लेयर, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो ये क्या जा रही है, इस ओजोन लेयर को जाके रप्चर कर रही है. क्या कर रही है, रप्चर, यानी कि ये एक लेयर है उसमें सुराख कर रही है. सुराख करने की वजह से बेटा डायरेक्ट सन की रेडिएशन जो है हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रही है, और वो हमारे ग्लोब को क्या कर रही है, गर्म कर रही है. तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस जो है, ग्लोबल वार्मिंग एक हमारी वजह जो है पॉल्यूशंस की वजह से भी है, और हमारे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी है, जिसकी वजह से हम ट्रीज़ काट रहे हैं. तो ये हमारे पास क्या है, ये सब जो है साइंस के टास्क हैं या साइंस के चैलेंजेस हैं जो इसे सॉल्व करने पड़ रहे हैं. स्टूडेंट इफ़ यू आर सीइंग दैट, दे थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट क्या है बेटा, कि why is it important for you or for me to learn science? मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी क्यों है साइंस का पढ़ना? Why science is the basic subjects or compulsory subject in our course? साइंस जो है अब बेसिक या कंपलसरी क्यों हो गया है? तो इसका आंसर आप सब जो है मुझे अपनी कॉपीज़ में लाजमी देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है Try it out. क्या है बेटा, Try it out. Different Muslim scientists and different जो हमारे पास Greek scientists हैं, different English scientists ने जो है discoveries की हैं science में. मतलब different scientists ने different चीज़ें इजाद की, different scientists ने different law पेश किए.
आपके पास ये तीन साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, लुईस पाश्चर एंड मैरी क्यूरी, और इनकी डिस्कवरीज आपके पास मौजूद हैं. सो आई एम गिविंग यू द टास्क टू सॉल्व दिस, ट्राई इट आउट. आपने क्या करना है पीटर, ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और इनकी डिस्कवरी सामने हैं, आपने थ्रू नेट भी और आप गूगल के थ्रू भी सर्च करके बताएंगे कि न्यूटन ने हमारे पास क्या डिस्कवर किया था. न्यूटन ने फोर्स ऑफ स्टडी यानी पे काम किया था, या हमारे पास नेचर ऑफ रैंडियम पे क्या किस पे सर्च किया था, या किस पे स्टडी की थी, किसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दी थी. अब इस की पॉइंट्स को ज़रूरी आपने हाईलाइट कर देना है जो हमने आज की वीडियो में सीखा. साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर. एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड फिजिक्स आर दी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस. एज वी आई टॉट अबाउट यू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड फिजिक्स. एंड द साइंस इज द क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. साइंस जो है बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि साइंस की वजह से ही हमारी लाइफ जो है अब पॉसिबल है. साइंस जो है हमारी लाइफ के साथ जो है वो क्या है, लिंक है, मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या है, लिंक. होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझा होगा. जजाकल्ला.